नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मांगलिक दोष दूर करने के उपाय इन हिंदी। मांगलिक दोष उपचार के टोटके, मांगलिक दोष निवारण के उपाय। अगर आप भी इस मांगलिक दोष के निवारण के कुछ उपाय जानना चाहते हैं, जो लोग मांगलिक हैं और वे इस मंगल दोष को दूर करना चाहते हैं, तो फिर आज हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज ऐसे उपाय लेकर आया हूं जिसके द्वारा आप बड़ी आसानी के साथ इस मांगलिक दोष को दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हमारी वीडियो आपके लिए बड़ा महत्व रखती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक को आगे लेकर। मंगल दोष को कुछ लोग मांगलिक दोष भी कहते हैं। ज्योतिष विद्या के अनुसार मंगल ग्रह विनाशकारी माना गया है। यह जिस भी जातक की कुंडली में प्रवेश करता है, उसे नष्ट करके रख देता है। उसके जीवन में उथल पुथल मचा जाती है, कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तमाम कोशिशों के बाद भी वह असफल ही रहता है। जिन लोगों को मंगल दोष होता है, उनकी शादी में बेहद परेशानियां आती हैं। माना जाता है कि कुंडली में जब प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में मंगल होता है, तब मांगलिक दोष लगता है। ऐसी मान्यता है कि यह दोष जिनकी कुंडली में हो, उसे मंगली जीवन साथी ही तलाश करना चाहिए। यदि दोस्तों आपकी कुंडली में मंगल है और इसी कारण आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, या विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन में संकट खड़े हो गए हैं, तो हमारे द्वारा जो आज उपाय आपको बताए जाएंगे, उन्हें आप सही विधि के साथ कीजिएगा, सही तरीके के साथ कीजिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी अगर आप सही तरीके से करेंगे। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मांगलिक दोष दूर करने के उपचार। मैं कुछ खास उपाय आपको बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आप रोजाना या विशेष तौर पर मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं। इसके अलावा अपने घर में लाल पुष्प वाले पौधे या वृक्ष लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। समय समय पर पौधों को पानी देना ना भूलें। नंबर दो, यदि वह मांगलिक है और कन्या मांगलिक नहीं, तो विवाह के समय वर जब वधू के साथ फेरे ले रहा हो, तब पहले तुलसी के साथ फेरे ले ले। इससे क्या होता है कि मंगल दोष तुलसी पर चला जाता है और वैवाहिक जीवन में मंगल बाधक नहीं बनता है। इसी प्रकार अगर कन्या मांगलिक है और वह वर मांगलिक नहीं है, तो फेरे से पूर्व भगवान विष्णु के साथ अथवा केले के पेड़ के साथ कन्या के फेरे लगवा देने चाहिए। इससे मांगलिक दोष दूर हो जाता है। नंबर तीन, मंगल दोष से पीड़ित जातक को हनुमान जी के चरण से सिंदूर ले, उसका एक टीका माथे पर लगाएं, जिसे हनुमान मंगल दोष को दूर कर देते हैं। नंबर चार, लाल रंग को देखें पर उस लाल रंग के वस्त्र को मंगलवार के दिन ना पहने, अधिक काम वासना में से अलग रहें और मंगलवार को एक समय भोजन हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके मांगलिक दोष दूर हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में भी वो खुशियां आ जाएंगी जिन्हें आप तरश रहे हैं। तो फिर जो मैंने आज मांगलिक दोष दूर करने के कुछ खास उपाय आपको बताए हैं, अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, सही विधि से और जैसा मैंने बताया इसका इस्तेमाल करोगे, तो यह मांगलिक दोष बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए अगर आप कुछ और उपाय जानना चाहते हैं और इस मांगलिक दोष को काटना चाहते हैं, तो फिर हमारे पंडित जी से आप एक बार जरूर संपर्क कर ले, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो दोस्तों, मैं ये कहते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ में दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आगे भी बहुत सी ऐसी